हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल कुकिस्ट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्खा मसूर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत तरीके से बनाई जाती है, बट मैं आपको मज़ेदार स्टाइल आज बताऊंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन करके एक कढ़ाई लेनी है, और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसे हमें गर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, रेड चिली और ये चॉप गार्लिक। तो सबसे पहले हमें गार्लिक तेल में डाल देना है, इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है पहले। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अदरक और ये रेड चिली। तो हमें इसे अच्छी तरह से अभी मिक्स करके फ्राई कर लेना है, और गैस हमें लो फ्लेम पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, जो मैंने चॉप्ड कर लिया था। इस तरह से बारीक कट करके हमें इसमें डाल देना है, और फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ब्राउन होते तक भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं, जैसे कि ये तेज़पत्ता और ये थोड़ी सी दालचीनी। तो इसे भी हमें मिला लेना है। फिर मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और फिर मैंने लिया है यहाँ पे मीडियम साइज चॉप टोमेटो, इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। इन टोमेटो को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले यूज़ किए हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच गरम मसाला। तो इसे भी हमें मिक्स कर लेना है, और गैस लो फ्लेम पे रख के हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है। फिर हमें यहाँ पे डालना है 1 चम्मच नमक। नमक डालने से हमारे टमाटर यहाँ पे जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि ये जो टोमेटो है सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बन जाए। आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो। तो गैस लो फ्लेम करके हमें इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से कवर करके पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे टमाटर पके या नहीं। वाह, अच्छी तरह से पक चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे कलर भी आ चुका है अच्छी तरह से। तो हमें इन मसालों को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है साबुत मसूर डालने की। तो यहाँ पे मैंने ये साबुत मसूर प्रेशर कुकर में ऑलरेडी 3 सीटी लगा के पका ली थी, और पकाते समय मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक भी डाल दिया था। तो इसे अच्छी तरह से अभी मिला लेना है। तो जैसे जैसे आप इसे मिलाओगे तो ये दाल इतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, और गैस कर दीजिए लो फ्लेम पे। अब हमें इस दाल को 5 से 7 मिनट तक कवर करके पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, और ये देखिए अब ये दाल बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है अभी। वाह मस्त, इसे भी अच्छी तरह से हमें अब मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी अक्खा मसूर या साबुत मसूर की दाल बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हो। आप इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये दाल कैसी लगी।
इस पे आप थोड़ा सा बटर डाल के और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल के सर्व कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो आपको ये साबुत मसूर दाल की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।